बस यही कहना चाहूंगी कि लोकल मुद्दे पे और लोकल कैंडिडेट को देखकर आप वोट करें, और कोई भी घर पे ना बैठे, ये आपका अधिकार है, तो आप लोग सब बड़ी से बड़ी संख्या में निकलें और आपके वोट और अधिकार को इस्तेमाल करें। क्या कहेंगे जिस तरह से आज आपने आपका वोट दिया है, क्या मुद्दे इस बार चुनाव में है और किस मुद्दे के आधारित आपने आपका वोट कास्ट किया? आम आदमी को बेरोजगारी, महंगाई, बिजली, सड़क, पानी, यही चीजें आज भी हम लोगों को खल रही हैं, तो इन्हीं मुद्दों पे वोट किया जाना चाहिए। और अपने लोकल कैंडिडेट को देखकर अगर आपके लोकल कैंडिडेट ने ठीक काम नहीं किया है तो दूसरे को मौका दीजिए, बस यही कहूंगे। बहुत 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 मिस कर रहे हैं, पर हमको पूरा यकीन है कि उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है। उनकी प्रेजेंस आपको भरूच में क्या पूरे गुजरात में फील होती है, तो कहीं ना कहीं उनकी दुआओं से अभी हम चल रहे हैं आगे। क्या कहेंगे जिस तरह से 27 साल से कांग्रेस सरकार में नहीं है, कांग्रेस बाहर है सरकार से, आपने भी आपका वोट कास्ट किया है, आपको क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा या पुनरावर्तन होगा? हम लोगों को ये समझ आता है कि क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम रहती है इस वजह से बदलाव नहीं आ पाता, तो इसीलिए मैं यही इस मीडियम से अर्ज करना चाहती हूँ कि आप लोग निकलिए, क्योंकि वोट करने वाले हैं, बदलाव चाहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन बाहर नहीं आते हैं वोट करने के लिए, तो वोट करना बहुत बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? 8 तारीख को पता चलेगा। फर्स्ट फेज में क्या लगता है आपको? अच्छा चल रहा है, रूरल गुजरात में कांग्रेस का बेस हमेशा से स्ट्रांग रहा है। आपको जो वोटर्स यहाँ दिखेंगे कांग्रेस की, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ, वो कहीं हिले नहीं है पिछले 75 साल में, तो कांग्रेस का जो बेस है यहाँ पे वो स्ट्रांग रहने ही वाला है। भरूच के लिए क्या स्टैंड है? भरूच में अच्छी फाइट चल रही है, तो हमें पूरी उम्मीद है भरूच से। विस्तारा न्यूज, निखरा जनपरा।